fine if I cannot wear the band? 4 lari fine. 4-0? 4-0. Oh, bada fine. 40 lari ka jo hai fine hai agar inke band nahi pehnenge. Hello, welcome back. Aaj hamara jo one of the most लेट डे जो है मॉर्निंग हुई है. मॉर्निंग तो सुबह हो गई थी और उसके बाद जो है फिर दोबारा सो गए. जब दोबारा सोए तो फिर आपको पता है जब उठने के बाद एक दोबारा सो जाते हैं तो फिर सारा डिस्टर्ब हो जाता है. खैर काफ़ी दिनों के बाद जो है एक अच्छी नींद भी पूरी हो गई और इस वक्त टाइम हो रहा है अराउंड 1:30 और हमने आज प्लान किया था कुछ और मगर अभी टाइम चेंज हो गया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. थोड़ा सा दूर फार है, अराउंड 45 मिनट की जो है वो मेट्रो है फिर प्लस बसेस हैं. अगर वैसे अगर हम जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट जो है अराउंड 30 जेल या अपनी प्राइवेट टैक्सी करवाते हैं मगर हमने जो है वो प्लान करा बाय मेट्रो और बाय बसेस जाएंगे. प्लीज़ चेक द बैलेंस. बैलेंस चेक कराया तो सबसे बेस्ट ये है कि इधर जो है 50 टीरा जो है वो कॉस्ट है मेट्रो की पर राइड की. तो अभी हम वही ट्रैक करने वाले. हाफ ऑफ लीरा जो है वो उसकी राइड है. चाहे आप जो है वो बस में ट्रैवल करें चाहे मेट्रो में करें लेकिन इस कार्ड से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है. तो आने के बाद जो है एयरपोर्ट से नहीं तो आप पे नियरेस्ट जो भी मेट्रो स्टेशन हो वहाँ से जो है आप ये कार्ड बनवा लें. इस कार्ड से उल्टा है, इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहेगा कि आपके लिए ईजी टू मूव हो जाएगा. अभी हम लोग मौजूद हैं लिबर्टी स्क्वायर के ऊपर जहाँ पर राइड बनावा सके. इसके टॉप के ऊपर अगर जाएंगे DIDUBE डुबुडी जो है इसका स्टॉप है वहाँ से जो है फिर आपको लोकल बस चेंज करनी पड़ेगी. तो मस्काटी जाने के लिए अगर लिबर्टी से आप जा रहे हैं तो यहाँ से 6 स्टॉप जो है वो डुबुडी का. ट्रेन तो काफ़ी फुल है, चलें चेक करते हैं क्या होता है. अभी हम लोग एग्जिट हो रहे हैं दुबुदी मेट्रो स्टेशन से और यहाँ से ये मस्काता घाटी के लिए देखते हैं किस तरीके से जा सकते हैं. मस्काता घाटी जो है वो ओल्ड सिटी है. यहाँ पर जो है आपको बसेस भी मिलेंगी टैक्सी भी मिलेंगी. तो येलो वाली में आप सफ़र करेंगे तो वो चीप है, अदरवाइज़ आप किसी और बस में बैठेंगे तो उसके एक्सपेंसिव हैं. अगर मैं पता करता हूँ किसी टैक्सी से वो कितना लेता है और फिर इसका तो 550 टैली है. अगर भाई टैक्सी लेंगे तो 20 लारी यहाँ से ले रहा है. 30 में वहाँ से नहीं लेके आ जाएँ रोड पर. अगर किसी को टैक्सी यूज़ करनी है तो वो 30 में जो है आपको तबिलिसी से मिल जाएगा तो वो यूज़ करें. अदरवाइज यहाँ पर आके जो मिनी बस यूज़ करनी है. इस सिटी के अंदर आपको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज का क्योंकि यहाँ बताया ये गया था कि यहाँ पर जो है ओल्ड सिटी है तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वगैरह आपको ईजीली नहीं मिलेगी. तो देखते हैं क्या होता है. अभी मैंने पूछा एक दोस्त से उनको समझ में नहीं आया प्रोनाउंस. एक्सक्यूज मी, मस्काता खैर तो आप बेस्ट ये है कि उसकी तस्वीर जो है उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके चले वरना फिर जो है ना प्रॉब्लम हो जाए. एक्सक्यूज मी, बस कहा था अभी नहीं. बस यहाँ पर जो है लैंग्वेज का काफ़ी इशू है और सबसे अहम बात दूसरी बात ये भी है कि वीडियो बनाने पे कुछ लोग जो है काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं क्यों बना रहे हैं. तो दो दफ़ा मिसाल ऐसा हुआ है. तो एक दफ़ा तो मैंने इग्नोर कर दिया, सेकंड दफ़ा
वो इग्नोर हो गया, मतलब चला गया, कोई इशू नहीं हुआ। मगर सेकंड टाइम जो है वो प्रॉब्लम ये हुई कि वो मुझसे पूछने लगा क्या बना रहा, क्यों बना रहे हो। तो मैंने व्हाट सॉरी इस तरीके से इग्नोर करा, समझ तो गया था क्या बोल रहा है, मगर ये इस तरीके से शो कर अपने आप को कि मैं समझा नहीं उसके बाद। तो उसने बोला चलो ओके ओके नो प्रॉब्लम ओके ओके गो गो, इस तरीके से उसने रहा कि क्या समझाऊँगा मैं इसको। तो बहस ये है कि थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये सिटी से थोड़ा दूर है, इसलिए जो है लोगों की मेंटेलिटी जो है यहाँ पर थोड़ी चेंज है, थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी पहुँच तो गए हम लोग उस खाती, अब यहाँ पर जो है थोड़ी चीज़ें समझना पड़ेंगी यहाँ पर है क्या। वैसे तो ओल्ड सिटी है, थोड़ा सा व्यू अच्छा लग रहा है, विलेज टाइप का है, थोड़ा दूर है शहर से। तो अभी तक जो एक्सपेंस हुए हैं 50 जो है मेट्रो का प्लस 1 लारी जो है यहाँ का 1.5 लारी के अंदर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। सिटी से मेन सिटी से कभी भी कहीं दूर जाएं, कोई बाहर जाएं, मतलब दो चार चीज़ों का ख्याल रखें, तो लोगों को इग्नोर करना सीखें, दूसरा ये कोई बुलाए कुछ करे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, आप अपने चीज़ों में मगन हो जाएँ, समझें वो फिर इग्नोर ही कर देगा। अदरवाइज़ आपने ज़्यादा कम्युनिकेशन करी तो लास्ट टाइम जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। व्यू तो काफ़ी अच्छे हैं, अभी यहाँ के जो है मेन जो है स्पॉट क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। कहीं पे भी जाएं तो वापसी जो है रिटर्न जाने का अपने एरिया जो है याद रखें, लैंडमार्क को जो है नोट कर लें कि वापस कैसे जाएंगे, वरना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। अभी जो है यहाँ का जो फेमस लैंडमार्क है टॉप के ऊपर जो है नज़र आ रहा है, तो बताया ये कि वो जो उधर से वे है ऑन द वे, उधर से जाना है टैक्सी जो है, मैंने कंफर्म करा कि बाई टैक्सी जो उधर तक जा सकते हैं। अब वहाँ जाने के लिए जो कितने पैसे लेता है क्या करता है देखता हूँ, दो तीन से पूछता हूँ, फिर जो है कोई ना कोई एक ना एक तो डील बनी जाएगी। अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। थोड़ा हमने हिम्मत करी कि हमने जो है वो वहाँ से सिटी से बाहर निकले, एक ये इनका गांव है, नई जगह पे अगर जाएं वेदर चेंज हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है कि वहाँ से एग्जिट करने में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अच्छा स्पॉट है, बहुत ज़्यादा जो है वो रेट बता रहे हैं 20 लारी टैक्सी फ्रॉम हियर इज गो सेपरेट टैक्सी और ये जो जगह नज़र आ रही है फेमस, इसका नाम है ज्वारी, ज्वारी नहीं है ज्वारी है अपने क्या है जो भी है प्रोनाउंस, न्यू प्लेस है। यहाँ से जो है डे की रोशनी में ही वापस निकलना है, कहीं पे भी आपकी न्यू सिटी में जाएं अगर आपको रात वहाँ स्टे नहीं करना और डे में आपको प्लान करना है तो आप डे में जाके और रोशनी में ही जो है वहाँ से वापस निकल जाएं। वैसे कोई इशू नहीं है मगर फिर भी जो है अपने आप को सेफ साइड पर रखें, कहीं इतना एक्सप्लोर करने के चक्कर में प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो जाए। यहाँ कुत्ते जो है ना भरे पड़े हैं, ऊपर गया नहीं, कुत्ता लेटा हुआ था देखते ही खड़ा हो गया, तो मैं वापस आ गया भाई, मैं क्या कर सकता। एक अच्छा सिटी है, सिटी नहीं मतलब ओल्ड सिटी है, बताया जाता है कि ये पहले जो है जॉर्जिया का कैपिटल भी था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर आप आ सकते हैं, वन डे स्पेंड कर सकते हैं, सिटी को जो है व्यू कर सकते हैं। वैसे तो वन डे के लिए बहुत ही है, तबिलिसी से आप आएँ और आके दो चार घंटे के अंदर जो है आप एक्सप्लोर करके जा सकते हैं, मगर अगर आप चाहें तो इसका ये प्लान भी कर सकते हैं कि वन डे स्टे हियर, यहाँ पर जो है वो हॉस्टल वगैरह भी हैं, होटल भी हैं। जॉर्जिया आएँ तो वन डे तबिलिसी के साथ साथ उधर का भी प्लान कर लें। सिंगल एम्बुलेंस नंबर है भाई, याद रखें ये भी 112, कोई प्रॉब्लम हो पुलिस से भी फायर ब्रिगेड वॉट एवर यू नीड तो यहाँ पर जो है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ देख लें बस कि जब यहाँ पर ओल्ड सिटी का ये है इतनी खूबसूरत बनी हुई है तो तबिलिसी कैसी बनी हुई होगी, ये देख लें भाई लिविंग ऑफ स्टाइल जो है वो ऐसा है यहाँ का। हमारे फ्रंट साइड के ऊपर काफ़ी लोग जो है मूव कर रहे हैं, तो आइए चल के देखते हैं इस एरिए में क्या है। अभी जिस एरिया में हमें जो है बस ने ड्रॉप करा ये गोरी का एरिया कहलाता है। गोरी का मतलब जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर जो है हिल होता है, इसका मतलब है पहाड़ी। इनिशियल में मस्काती जो है जॉर्जिया का कैपिटल भी था, जो अब मूव हो गया तबिलिसी है, तो इस तरीके से ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी कहलाए कह सकते हैं क्योंकि ये एक ओल्ड कैपिटल भी था इनका। ये टूरिस्ट की हेल्प के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाया हुआ है और अभी ये क्लोज नज़र आ रहा है। इधर तो काफ़ी लेंदी जो है वो बाज़ार नज़र आ रहा है, एक मार्केट कह सकते हैं, काफ़ी टूरिस्ट इधर जो है वॉक भी कर रहे हैं,
और मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो है इधर चीज़ें भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के इधर जो है स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, मगर कुछ अभी हम लोग खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये हलाल का इशू सबसे बड़ा रहता है। चीज़ें काफ़ी मौजूद हैं, डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट वैरायटीज़ मौजूद हैं, परचेज़ कर सकते हैं और कॉस्टली भी नहीं है। अभी मैंने कुछ लिए हैं डेकोरेशन आइटम जो 5 जेल का मुझे दिया। इवन ये देखें जो है वो आइसक्रीम के अंदर भी जो है थोड़ी एहतियात करनी है, वाइन की आइसक्रीम है। अभी हम लोग जाने लगे हैं जवारी, लेट्स सी जवारी। इज दिस कार ऑन पेट्रोल और गैस? और गैस डीजल। व्हाट इज पर लीटर डीजल हियर? 2 लारी थोड़ी से हां, 2 लारी थोड़ी से, 2 लारी जो है पर फॉर जॉर्जिया इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हियर इज लो प्राइस एंड नाउ इज हाई। वही जो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि हाई वे डाउन है वो टॉप के ऊपर नजर आ रहा है। वो टेंपरेचर यार मैक्सिमम जुलाई अगस्त 40 थोड़ी भी 40 जुलाई में जो है हॉटेस्ट डे होता है, टू थ्री वीक के लिए जो है वो वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होता है एंड टेंपरेचर अराउंड 30 टेंपरेचर 30 इन जुलाई, जुलाई 3.8 38 तक जो है वो टेम्परेचर 38 तक जो है टेम्परेचर छूट जाता है जुलाई में। तो आई थिंक सो कि ये बेस्ट वेदर है, अभी भी जो है 23 ऑलमोस्ट दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा एक व्यू है, इस एरिया को भी जरूर जो है वो विज़िट कराएं। आइए चलते हैं देखते हैं जवारी में क्या है। काफ़ी अच्छी हवा है और व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है, एक अच्छा डिसीजन लिया हमने यहाँ पर आके। जॉर्जिया आए तो इस व्यू को मिस नहीं करें, यहाँ पर आ के बहुत अच्छा प्लेस है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है, हाइट के ऊपर है, हिल्स पे। जब आए इतने दूर तो देखते हैं अंदर क्या है, अंदर भी चलते देखते हैं। अराउंड जो है 5 PM हो रहे हैं, तो अभी हम लोग जो है यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे जो है सिटी में भी मूव करना है। उससे पहले थोड़ा रोशनी में डे में हम लोग पहुँच जाए, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग बस यहाँ से तबिलिसी के लिए वापस रिटर्न निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके यू वेलकम। और जो है मुझे लगता है ये बस आ रही है मेरे फ्रंट से, अभी हम लोग जो है वो रिटर्न जा रहे हैं। और मैं मौका लगा तो ड्राइवर के साथ ही फ्रंट सीट पर बैठ गया क्योंकि यहाँ से जो है व्यू आप काफ़ी ईजिली कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी बसों की कंडीशन वैसी ही है, लोग खड़े हुए हैं क्योंकि छोटा सिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी नहीं है तो लोगों को मूव करना होता है। नहीं जो है हम दोबारा टर्मिनल पर पहुँच गए और यहाँ से जो है अभी एग्जिट करेंगे मेट्रो के लिए, मेट्रो में जाएंगे तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं टर्मिनल से। मगर अगर ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं अभी तक का, अगर आप किसी ट्रैवल एंड टूर सर्विस से लेते हैं तो उसका 30 लारी का टोटल पैकेज है। आप जो है ख़ुद जिस तरीके से अभी मैंने किया, जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस आया फिर जाने आने का तारम इन बिटवीन, अगर आप कुछ खाते हैं या कुछ करते हैं वो सेपरेट है, 0.5 जो है तबिलिसी से इस टर्मिनल तक का और 1 लारी जो है यहाँ से, मतलब इनके आप इसमें से 1.5 लारी जो है वो आपको वन साइड का एक्सपेंस है प्लस रिटर्न, टोटल 3 लारी एंड
12 लारी जो है वो हमें जवार का तक का लिया, तो ये टोटल एक्सपेंस आया 15 लारी, तो ऑलमोस्ट जो है हाफ जो हमने एक्सपेंस सेव किया, तो ये अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंस आया हमारा 15 लारी हमने सेव करा। और अगर इनके साथ नहीं जाते इसको इस तरीके से एडवेंचर करना, 30 लारी में वो भी बेस्ट है, क्योंकि आप अगर अकेले हैं और आप कुछ नहीं करना चाहते तो 30 लारी नॉट बैड। अभी हमारा प्लान था कि बाथरूम में जाने का, पर वो प्लान जो है अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है ट्रेन की वो मैच नहीं कर रही थी, तो इस वजह से जो हमने अनदर प्लान बनाया, जो आज हम गए अनदर सिटी और उसका थी जो हम लोग गए, इसलिए हमने प्लान बनाया और एक दिन और एक कल का हमारे पास होगा। थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आप को सेफ रखने के लिए बेस्ट ये है कि आप जो है सिटी का प्लान जो है विद इन अ डे बनाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्लाइट अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई आउट साइड सिटी आप जाते हैं तो फिर जो है आप काफ़ी ट्रबल में आ जाएंगे, काफ़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि अपने आप को जो सेफ रखे चलें, एक दिन एटलीस्ट जो है जब भी आप कहीं पर ट्रैवलिंग करें तो सिटी विद इन अ सिटी रहें, नेक्स्ट डे अगर आपकी फ़्लाइट है तो अगर आप आउटसाइड जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर लोकेशन पे। सी यू नेक्स्ट टाइम।